कहते हैं कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई भी काम पूरी तन्मयता, लगन और ईमानदारी से किया जाए तो पहचान और सम्मान मिलना तय है। पटना में कुछ ऐसा ही कर दिखाया है पटना नगर निगम में काम करने वाली महिलाओं ने। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। महिलाओं का यह समूह पटना में सड़कों का खुला मेन हॉल का ढक्कन हटाता दिख रहा है। अमूमन आपने देखा होगा कि यह काम पुरुषों के जिम्मे होता है। पुरुष ही मेन हॉल की सफाई का काम किया करते थे, लेकिन बदलते समाज की बदलती अवधारणा और सोचने की शक्ति ने महिलाओं को यह जिम्मेदारी निभाने का मौका दिया है। महिलाओं का यह समूह मेन हॉल की साफ सफाई का सारा जिम्मा खुद उठाता है। महिलाओं द्वारा किया जाने वाला यह काम न केवल बिहार बल्कि पूरे देश के लिए एक अनूठी पहल मानी जा रही है। पटना नगर निगम स्वच्छगामी स्वावलंबी सहकारी समिति बनाकर महिलाओं को लगातार प्रोत्साहित कर रहा है। मेन हॉल की सफाई के लिए नगर निगम वेंटिंग मशीन, डीजल और चालक अपनी तरफ से मुहैया करा रहा है, तो बाकी का काम महिलाएं अपने हुनर से कर रही हैं। इसके लिए इन महिलाओं को बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है। पहले मेन हॉल की सफाई पुरुष करते थे, जो मेन हॉल के अंदर घुसकर बाल्टी से कचरा निकालते थे। सफाई के दौरान कई मजदूरों की मौत मेन हॉल के अंदर दम घुटने से हो चुकी है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में नई तकनीक से महिलाओं ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। आर्थिक तौर पर देखा जाए तो इन महिलाओं में बेहद खुशी है। जब महीने के अंत में मोटी तनख्वाह हाथ में आती है तो यह कामकाजी महिलाएं सपने बुनने से भी गुरेज नहीं करती। हालांकि काम इतना आसान भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद सारी दुश्वारियां और परेशानियां झेलते हुए यह महिलाएं अपने काम को बखूबी निभाने में ही यकीन करती हैं। सबसे काबिल तारीफ है इनका आपसी सहयोग और काम के प्रति समर्पण के साथ सामूहिकता की भावना। अब तक कई मेन हॉल की सफाई कर चुकी इन महिलाओं के जज्बे और हौसले को हमारा भी सलाम है। हम लोग आए हैं सवेरे से, सब चम्मड़ उखाड़ रहे हैं, बड़ा बड़ा चम्मड़ है, सब उखाड़े हैं और कहीं कहीं तो पूरा पैक कर रहता है सीमेंट से, फिर भी उसको हम लोग तोड़ देते हैं और तोड़ के काम करते हैं, सफाई करते हैं, जेटिंग करते हैं, उसको बाद जेटिंग के बाद ग्रेविंग, पहले ग्रेविंग करते हैं उसको बाद जेटिंग करते हैं, पाइप द्वारा सब साफ करते हैं और फिर चेम्बर के लगाते हैं, ढक्कन लगा देते हैं बराबर से, जैसे बराबर बैठे रहता है। वैसा ही लोग कहता है कि लेडीज़ से कुछ नहीं होगा, लेकिन लेडीज थोड़ा नाजुक जरूर है लेकिन किसी से कमज़ोर नहीं है। लेडीज़ क्या ना कर रहा है सर, लेडीज़ से जो एरोप्लेन उड़ा रहा है, लेडीज़ से जो मतलब पुलिस दरोगा सब चीज़ मने बन रहा है, तो हम लोग क्यों पीछे हटेंगे, हम भी तो लेडीज़ से है ना, तो इसलिए हम लोग का अच्छा लग रहा है काम करने में। और बाकी बच गया परिश्रम, तो बगैर परिश्रम के तो कोई काम नहीं होता है सर। हम लोग तो कितना हो परिश्रम काम रहेगा, तो हम लोग कर लिए हैं शुरुआत, तो अब सब चीज़ तो समझ बुझ गए हैं और अच्छा लग रहा है करने में और करेंगे। आप लोग गाड़ी भी खुद चला रही हैं? हाँ, इसमें ऐसे लगता है कि 5-6 लड़की है जो गाड़ी चलाती है और लोग समझे कि खलासी में भी बढ़ते हैं, आगे पीछे सबको ना सीखना है, तो 5-6 लड़की चलाती है और सब चलाइबे करेगा, तो सब मिल के काम करते हैं, चलाइबे करता है और फिर इसमें भी साथ मतलब काम करते हैं। मशीन से नाला सफाई हो रहा है? हाँ, मशीन द्वारा साफ हो रहा है, मशीन से साफ करते हैं। पहले सब नाला में घुस के करते थे, तो सरकार बहुत अच्छा हम लोग का सिस्टम दे दिए हैं कि अंदर घुसना नहीं पड़ रहा है और मशीन द्वारा काम हो रहा है। कभी नहीं मानेंगे क्यों, उनको से कम थोड़ी कर रहे हैं, हिम्मत नहीं ना आ रहे हैं, उनको से ज़्यादा कर रहे हैं, उनको से कम भी ना कर रहे हैं, उनको से दिखा देंगे, देख रहे हैं जनता पटना के भी कि क्या कर रही है लेडीज लोग, पूरा काम कर रहे हैं तब ना 10 महीना से टिके हुए हैं, कर रहे हैं कि करेंगे क्यों सर। किससे कंपटीशन करेंगे? पुरुष से, अगर उनको काम छीन के उनको जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं ना, आज अपना हस्बैंड से गाड़ी बात सुनने से अच्छा है ना, 2 पैसा कमा रहे हैं, बाल बच्चा के भी देख रहे हैं और 2 पैसा हो रहा है, उससे हम लोग जो खरीदे का मन करता है खरीद रहे, खा रहे हैं। ऐसे हस्बैंड के पैसा से जाते थे तो बहुत अथी करते थे, मैंने वो लड़ाई झगड़ा, ऐसे अपना पैसा खुद कमा रहे, महसूस अच्छा लग रहा है, अच्छा कर रहे हैं, क्यों शर्म आएगा, हम लोग काम चोरी चराई थोड़ी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों हमको देखिए कि देश की सफाई करेंगे, तो हम लोग के अच्छा लग रहा है, क्यों शर्म नहीं आ रहा है सर, शर्म क्यों? तेतरी देवी। क्या कर रही हैं आप लोग? जी मेरा नाम है रिंकू देवी।
आए हैं नाला के सफाई हो रहा है, उसको सफाई करने के लिए। कहाँ पे सफाई चल रहा है? ये लालू मार्केट में, पटेल नगर। किस तरह सफाई कर रहे हैं आप लोग? मशीन से सफाई कर रहे हैं। गाड़ी से हम लोग खुद चला कर आते हैं और खुद क्या है खोलते हैं उसको, चेंबर को हथौड़ी से, नहीं अगर नहीं खुलता है तो छेनी हथौड़ी से खोले, फिर से क्या बोलते हैं ये उसको क्या बोलते हैं खंती से खोलते हैं। और उसके बाद जेंट्स लोग बोलते हैं कि ये तो अल्मीनियम है, अल्मीनियम से कुछ नहीं होगा, कि लोहा को लाओ। अरे लोहा के क्या लाएंगे? हम लोग ऐसा नहीं है कि हिम्मत हार जाए, जो नहीं होता उसको भी करके ही छोड़ते हैं। ऐसा जो आदमी का सोच है गलत, सोचना ऐसा नहीं चाहिए। जो बोलते थे कि चूड़ी पहन के उन लोग के घर में बैठना चाहिए, आजकल ऐसा है कि हम लोग हर एक काम पे उतर गए हैं, तो जेंट्स लोग के लग रहा है कि अब हम लोग का काम बंद होने वाला है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, अभी के डेट में सभी को कमाना चाहिए, कंधा से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, इसीलिए कर रहे हैं। तो ये सोचना है जो उन लोग का वो गलत है, वो उनका सोच गलत है, शर्माना नहीं चाहिए। क्योंकि हम लोग इज्जत से कमा रहे हैं, इज्जत से कमाने वाले को शर्म नहीं आता, गर्व से सर ऊँचा हो जाता है। इसलिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, या चाहे चैम्बर साफ करे या कुछ और करे, काम कोई खराब नहीं है। हाँ हाँ, सरकार को धन्यवाद कहेंगे क्योंकि वो महिला को सोच रहे आगे बढ़ाने के लिए, कि महिला किसी से कम नहीं है, वो भी कुछ भी कर सकती है, इसलिए उन लोग के मजबूत बना रहे हैं। नारी नाम जो है वो कमज़ोर नहीं है, इसलिए हाँ भारत नारी सब पे भारी।